और चलिए एक बार फिर से आपको महापंचायत में लेकर चलते हैं, जहां तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सपा के दो विधायकों को छोड़कर बाकी बीजेपी के विधायकों से है। एक एक करके मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगी, और पहले आप मुझे हाँ में जवाब दीजिएगा या ना में। बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें मोदी जी और योगी जी की बदौलत यहाँ ठीक हुई है, सही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सड़क, रोजगार, ये सारी व्यवस्था मोदी जी और योगी जी की देन है, मानना है? योगी जी, मोदी जी बहुत कर्मठ हैं, 4 बजे उठ के शाम तक काम करते हैं, आप लोग मानते हैं? मेरा सवाल आप सभी विधायकों से है कि आप लोगों की क्या भूमिका, आप लोग क्या करते हैं? विधायक जी, आपसे शुरुआत। देखिए मैम, मैं सेकेंड टाइम मीरगंज से एमएलए बना हूं जी। पहले टर्म में हमारे 2 साल कोरोना खा गया, और उसके बावजूद हमारी चूंकि जो आर्थिक नीतियां हैं हमारी पार्टी की, और हमारा जो सुशासन है और विकास, इन तीनों मुद्दों पर जनता ने हमें दोबारा फिर 22 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया है। और जहां तक हमारी मीरगंज विधानसभा की बात है, मैं जब 2017 में वहां विधायक बना, हमारे यहां मीरगंज विधानसभा में पहाड़ से आने वाली रामगंगा सहित 8 बड़ी सहायक नदियां हैं, ठीक है? और हमारे यहां आजादी के 70 सालों में केवल 5 पुल थे, ठीक है? और मैंने अपने 3 साल, मानिए 2 साल कोरोना में निकल गए, मैंने 8 नए पुल देने का काम किया हमारी सरकार ने। 8 नए पुल, 8 नए पुल। और विधायक जी, आपने हाँ। आप मौका मिलेगा, हम लोग के पास वक्त है लेकिन सबको मौका मिलेगा। आप बताइए, मोदी जी योगी जी के नाम पे तो खूब वोट मिलता है, बड़ा दिल खोल के जाते हैं, तो सबसे पहले इस मंच पे भी शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहती है, आप कितना सक्रिय रहते हैं? मैं अपनी विधानसभा में लगातार रहता हूँ, और वहीं रह करके अपने लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता हूं। और मैं आपको बता दूं, विकास के लिए भी हम लोग इतने सक्रिय हैं कि अपनी सरकार के कदम से कदम मिलाकर काम करने के लिए जो हम लोगों से पूछा गया कि विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है। कितनी बार लखनऊ का दौरा हो जाता है आपका जी? लखनऊ के चक्कर कितने लगते हैं? हर सोमवार और मंगलवार को मैं लखनऊ में रहता हूं। हर सोमवार मंगलवार? बिल्कुल। अच्छा, कितने मुद्दे हैं जो लखनऊ तक पहुंचे हैं अब तक लखनऊ में विधानसभा से? मेरी विधानसभा से बहुत सारे काम पहुंचे हैं, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे मैं करीब 10-12 काम दे चुका हूं। अच्छा जी, कितने टर्नओवर हैं, उसमें से कितने काम वापस लौटे हैं? अभी जल्दी की बातें हैं जी, प्रोसेस में है, और पत्रों के मेरे जवाब भी आए हैं। पत्रों के जवाब आए हैं, चलिए पाती आई है, जवाब आया है, उम्मीद और तेज जगती है, लेकिन आप लखनऊ जाते कब है? विधायक जी, आपकी बारी है। मोदी जी योगी जी के नाम पे खूब वोट मिलता है, आप लोगों ने 22 में झोला भर भर के वोट लिए है, जरा बताइए, हम भी सोचते थे। सबसे पहले एबीपी गंगा का धन्यवाद, आपने इस महापंचायत में बरेली को और पूरे प्रदेश को बरेली से पहचानवाने का काम किया। गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत बधाई, और ये हमारे आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, पूरा देश अमृत महोत्सव बना रहा है, और इस स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार पूरा देश हमारे देश के पूरे विश्व के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री, लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने पूरे विश्व ने जिसका नेतृत्व स्वीकारा, ऐसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस पर हर बिल्कुल पता चल रहा है कि संघ से जुड़े रहे हैं आप, आपकी बातों से हम समझ गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।